तो वी आर गोइंग टू लर्न वेज टू इनकलकेट लीडरशिप स्किल्स एंड चिल्ड्रेन इट ऑल स्टार्ट एट होम लेट योर चाइल्ड लुक अप टू यू एज एडर एंड इंस्पायर हिम टू बिकम वन देखिए लीडरशिप पैदा करने का काम घर से शुरू होता है पहले वालदे ख़ुद लीडर बन के सामने आएंगे और फिर बच्चों को लीडर बनने की सल, जो उनको हिम्मत देंगे इनक्रेजमेंट देंगे तो फिर बच्चे अच्छे लीडर बनेंगे अब बात यह है कि आप किस तरह से लीडर बनेंगे देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया हम अपने इर्द गिर्द लीडर से जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि वो डेडिकेटेड हो वो ऑनेस्ट हो वो दूसरों की मदद कर सकता हो अपने फायदे को दूसरों के फायदे पर तरजीह ना दे रहा हो ऐसा ही है ना और फिर ये कि वो दूसरों के बारे में एम्पथैटिक हो और सिंपथी शो करता हो और दूसरों के फायदे में फॉल हो यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहसीत वालदे हमें ख़ुद में पैदा करनी है और फिर हमें अपने बच्चों में पैदा करनी है सो द ग्रेटेस्ट वे टू लेट योर चाइल्ड मूव इन द राइट डायरेक्शन देखिए बच्चे शुरू में जब आ, बड़े हो रहे होते हैं तो वो हर तरह की एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ करते हैं एक ही दिन के अंदर बीसों दफा गलत चीज़ें भी कर रहे होते हैं और दुरुस्त भी कर रहे होते हैं हमें उनकी हर दुरुस्त बात की अप्रिशिएशन करना है हौसला अफज़ाई करना है इनक्रेजमेंट करना है और हर वो काम जिससे किसी को नुकसान पहुँच रहा है या ख़ुद उनको नुकसान पहुँच रहा है या माौलियात को नुकसान पहुँच रहा है उसके नतज से उसको बाखबर करना है और रोकना है हमने जैसे पहले भी अर्ज किया कि वहाँ हम आर्गूमेंट का सहारा नहीं ले सकते बल्कि फ़ौरी तौर पर कुछ भी गलत होने वाला काम जिससे किसी को भी नुकसान पहुँच सकता है हमें बच्चे को उससे मना करना है या उसे हटाना है द लेट हिम मेक डिसीशन फॉर हिम सेल्फ एट फर्स्ट डिसाइडिंग वट क्लोज टू वी वट ही तो जैसे मैंने अर्ज किया कि बच्चों को छोटी छोटी डिसीशन मेकिंग सिखाना ही उनकी लीडरशिप पैदा करने के लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है तो आप उनको अपने बारे में जितनी छोटी छोटी सरगर्मियां हैं उसमें उनको अपने फैसले करने की इजाज़त दें जो उन्होंने खाना है उसमें भी उनके सामने कुछ ऑप्शंस रखें कि भाई ये दो चीज़ें हैं या तीन चीज़ें हैं इनमें से आपको क्या पसंद है वो आप खाएं ठीक है इस तरह से वो कोई ना कोई ऑप्शन का इजहार ज़रूर करेंगे और फिर वही आप उनको दे सकते हैं अपने कपड़े कौन से पहनने हैं उसमें भी उनको ऑप्शन दें उन्होंने बाहर खेलना है या कमरे में खेलना है उसमें उनको ऑप्शन दें जब आप स्कूल में होते हैं तो वहाँ उनको ऑप्शंस दें कि इस वक्त चारों कॉर्नर आपके लिए हैं आप साइंस में जाना चाहेंगे आप मैथ में जाना चाहेंगे या आप वर्ल्ड अराउंड अस में जाना चाहेंगे आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें डिसीजंस की गुंजाइश मौजूद हो आप उनको इजाजत दें कि वो अपना डिसीजन लें और फिर उसकी जिम्मेदारी भी लें सो शेड्यूल एक्टिविटीज दैट कैन बी एंजॉयड विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और अदर किड्स देखिए हम बच्चों को उस वक्त तक ना सोशल बना सकते हैं न टीम बिल्डर बना सकते हैं जब तक हम उनको ग्रुप में काम करने की इजाज़त ना दें तो हमें चाहिए कि दूसरे बच्चों के साथ मिल के उनको खेलने का मौका दें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आइसोलेशन में पालना चाहते हैं उनका ख्याल है कि दूसरे बच्चों के साथ मिल के बच्चे खराब होते हैं ऐसा नहीं है बल्कि अगर आप अपने बच्चे को लीडरशिप क्वालिटी सिखाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो दुरुस्त सिमत में रहे तो उसको सिखाएं कि किस तरह दूसरे बच्चों को भी वो दुरुस्त डिसीशन करने में सही फैसला करने में मदद दे सकता है आओ हम ये अच्छा काम करेंगे हम पौधा उगाएंगे हम उसको पानी देंगे आए हम अपना लॉन जो है उसको साफ़ करेंगे आए हम अपने कमरे की चीज़ों को तरतीब से रखते हैं तो कुछ लोगों को कुछ बच्चों को साथ मिला के जब वो टीम एक बनाएगा और वहाँ पे वो अपनी सुजेशन लॉन्च करेगा बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो पैदा होंगी देखिए जहन में रखिए कभी भी कोई लीडर आइसोलेशन में नहीं बनता बहुत दफा उसको एक अच्छा फॉलोअर भी बनना पड़ता है अच्छा फॉलोअर बनेगा तो ही कल को अच्छा लीडर बनेगा उसको पता होगा कि कैसे बात मानते हैं और कैसे सुजेस्ट करते हैं चीजों को सो दिस कुड बी एज सिंपल एज प्लेइंग अ स्पोर्ट और गोइंग ऑन अ पिकनिक वेयर ही गेट्स अ चांस टू वर्क टुगेदर एज अ टीम तो जैसे मैंने अर्ज किया ये छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगी बहुत बड़े डिसीजन नहीं हैं क्या करना है कब करना है किसके साथ करना है छोट छोटे छोटे डिसीजन हैं कौन से टॉयज के साथ खेलेंगे कॉपी पे क्या बनाएंगे कौन सा कार्टून देखेंगे और इस तरह के छोटे छोटे उनको डिसीजन दें फिर घर के कामों में उनको खास तौर पे इंगेज करें स्कूल के जो मुख्तलिफ तरह के टास्क हैं उनमें इंगेज करें अच्छा हम मिलके एक आ, स्केट करना चाहते हैं आप कौन सा रोल लेना चाहेंगे आप क्या बनना चाहेंगे आप बटरफ्लाई बनना चाहेंगे या आप रोज बनना चाहेंगे तो ये छोटे छोटे डिसीशंस उनको हेल्प आउट करते हैं अपनी वर्थ के जानने और समझने में देन टीच योर चाइल्ड टू हैंडल फेलियर ग्रेसफुली देखिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके अंदर रिजिलियंस होनी चाहिए यानी आप किसी भी नुकसान का सामना हिम्मत से कर सकें किसी चैलेंज के सामना हिम्मत से कर सकें तो अगर कोई गलती हो गई कोई नुकसान हो गया है कुछ भी मसला हो गया है तो उसको वकार के साथ उसको एक्सेप्ट किया जाए आइंदा से वो गलती ना दोहराने का इरादा किया जाए और उस गलती से जो कुछ सीखा है उसको आप बच्चे के सामने उसका जिक्र करें और वो खुद बताए कि उसने क्या किया था जिसका क्या नतीजा निकला मसलन अगर छुरी से हाथ काट बैठा तो बच्चे से पूछेंगे भला आपने क्या किया था क्या छुरी को आपने तेज धार की तरफ से अपनी तरफ पकड़ा क्या आपने उसके ऊपर उंगली से दबाव डाला तो अब देखिए यही तेज धार का आला अगर हम किसी और चीज पे रखते हैं तो उसको भी काटता है सो ये आपके बदन को भी काटा खुदा न खास्ता कहीं से जला है देखिए आपने क्या किया था अब आग के करीब गए थे आग ने आपको झुलसाया तो इसका मतलब है हम आग के करीब नहीं जाएंगे जो चीज हमें नुकसान देती है हम उससे बचते हैं तो इस तरह आप उनको उनकी गलतियों को और जो अब तक उनके साथ जो कुछ भी ऐसा हुआ है जो जिससे उन्होंने नुकसान उठाया है उसी को रिफ्लेक्ट करने की आदत डालें और आइंदा आने वाले दिनों में वो उसको अपनी जिंदगी का सबक बना लें